अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम करता हूँ कराची एजुकेशन न्यूज़ यूट्यूब चैनल में। दिस इज द कंप्लीट टारगेट पेपर ऑफ फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, ठीक है, प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल के लिए है ये, ठीक है। एज यू ऑल नो, हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। सबसे पहले मैं ये कहूँगा आप लोगों को ये वीडियो पूरी वॉच करना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं जस्ट अपने काम के लिए आते हैं और वो चले जाते हैं। जब तक ये पूरी वॉच नहीं करोगे तुम लोगों को केमिस्ट्री के अंदर डिफिकल्टीज होंगी, क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत सारे बच्चों को इसमें इंटरेस्ट बहुत कम ही होता है। तो कोशिश करो कि भाई जो मैं समझा रहा हूँ उसको पहले प्रॉपरली समझ लो। अच्छा जी, सबसे पहले आपके पास तीन सेक्शंस होंगे, ठीक है। ये तो आपको पता ही है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, शॉर्ट, फिर आपके पास डिटेल्ड, ठीक है। डेफिनेशंस के अंदर आपके पास ये कुछ डेफिनेशंस हैं, इनको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा आप, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास कुछ साइंटिफिक रीजंस हैं, आपके पेपर के अंदर जो है बोर्ड के साइंटिफिक रीजंस इंक्लूडेड हैं, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिफिक रीजंस हैं, ऐसे तो बहुत सारे हैं, इनको देख लीजिएगा तो इंशाल्लाह कुछ अफाका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास रॉल्स लॉ है, ठीक है, फिर ली चैटर प्रिंसिपल है, देन उसके बाद जो है आपने बोहर के डिफेक्ट्स बताने हैं, ठीक है। बोहर का इक्वेशन लॉन्ग के अंदर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और बोहर के साथ में डिफेक्ट्स भी कर लीजिएगा जो कि शॉर्ट है। फिर डिफाइन राउंडिंग ऑफ डाटा, ठीक है, राउंडिंग ऑफ डाटा आपने वेरियस राउंडिंग ऑफ डाटा बता देना है, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं, क्या यूनिट क्या होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में। फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस ईयर के लिए, इसको देख लीजिएगा। उसके बाद आपके पास कुछ फैक्टर्स बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। बाकी आपने शेप्स ड्रॉ करने हैं BF3 NH3 इसके, ठीक है। आपके पास ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, थ्योरी से रिलेटेड डेल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, इसको देख लीजिएगा। उसके बाद आपके पास ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, ड्रॉ अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स एंड राइट डाउन, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एंड डिटरमिनेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। क्रोजन्स क्या होती है, इन्हें प्रॉपरली और कैसे प्रिवेंट किया जाता है, ये क्वेश्चंस। देन आफ्टर दैट लिक्विड क्रिस्टल्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंस देख लीजिएगा। ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी काफी इंपॉर्टेंट है, आपने डायग्राम डायग्राम की प्रैक्टिस लाजमी देख लेना, ठीक है। आपने डायग्राम बना ड्राई सेल्स का, और उसके साथ आपके आपके बुक के अंदर ही रेडॉक्स रिएक्शंस होंगे लिखे हुए, ठीक है, वो रिएक्शंस आपने यहाँ पे करना है। मास एक्शन के बारे में आपने यहाँ पे डिटेल बताना है। फैक्टर अफेक्टिंग रेट्स का क्वेश्चन जो है या तो शॉर्ट में पूछ लेंगे या तो लॉन्ग, लॉन्ग में ऐसे नहीं, फैक्टर अफेक्टिंग शॉर्ट के अंदर दो या तीन आपसे पूछा। बफर सॉल्यूशन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एज अ शॉर्ट नोट के बिहाफ पे, या क्वेश्चन भी डायरेक्ट आपसे पूछ सकते हैं। इस तरह से भी आपसे पूछ सकते हैं कि हाइड्रेशन हाइड्रेशन और हाइड्रोलाइसिस बता दो, ठीक है। कुछ डिफरेंशिएशन है यहाँ पे, ठीक है, जो आपके पास डिफरेंशिएट कर रहे हो आप, आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। उसके बाद फिर आपके पास जो है सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, फिर आपके पास प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल और एजमेटल, ठीक है, क्वांटम नंबर, उसके बाद आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, फिर VBT एंड MOT, ठीक है। और उसके बाद जो है पॉजिटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमॉर्फस सॉलिड, और फिर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ये कुछ नोड है जिसमें आपके पास ऑक्साइड्स, एनिस्टाइप, लेस एंड प्रोस्टेड लॉरी, मतलब आपके पास ये आपके पास देख लेना। और उसके बाद जो आपके पास टाइप्स ऑफ क्रिस्टल और फिर डिपल मूवमेंट, ठीक है, विस्कोसिटी, और फिर आपके पास सरफेस टेंशन, ये काफी मतलब इंपॉर्टेंट नोट्स के तौर पे भी आते हैं, अगर नोट्स कर लोगे तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ठीक है। ये आपके पास कुछ क्वेश्चंस और हैं आपको बताना है, प्राइमरी बैटरी क्या होती है, ड्राई सेल क्या, ये सेम ही क्वेश्चन हो गया है दोबारा रिपीट, तो इसको आप जो है कट कर सकते हो। कुछ सेम क्वेश्चंस भी दोबारा आ गए तो इसको आप कर सकते हो कट, ठीक है। एलोट्रॉफी देख लेना कि एलोट्रॉफिक ग्रेफाइट वो क्या है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक आपने ये देखना है, ड्राई प्रेशर वर्क, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आपके प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड ये थोड़ा देख लेना, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन, और फिर आपने ये स्ट्रक्चर बनाना है, स्ट्रक्चर जैसे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। एक्सरे क्या है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एक्सरे का, ठीक है। और उसके बाद आपके पास हैस लॉ ऑफ, ठीक है, कॉन्स्टेंट हीट ऑफ, ये आपके पास ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, इन्हें देख लेना। फिर आपके पास न्यूमेरिकल शीट है, सबसे पहले इसको करने से पहले अगर आपने ये टॉपिक्स को अच्छे तरीके से कर लिया तो समझ लो कि भाई आपके पेपर में इंशाल्लाह अच्छे नंबर आ जाएंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल एक ऐसा फैक्टर होता है केमिस्ट्री में कि न्यूमेरिकल्स काफी ज्यादा आते हैं पेपर्स के अंदर केमिस्ट्री में। अगर पेपर्स को हार्ड बनाया जाता है केमिस्ट्री का तो मोस्ट प्रॉब्ली थोड़ा सा जो है सिनेरियो चेंज होता है, तो न्यूमेरिकल्स भी जो है 5 से 6 आपके इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड आपके लॉन्ग के अंदर पक्का पक्का है, ठीक है। फिर उसके बाद बॉन्ड हाइबर साइकिल न्यूमेरिकल जो है मोस्ट प्रॉब्ली आपके लॉन्ग के अंदर सवाल के साथ पूछा जा सकता है कि बॉन्ड हाइबर साइकिल बता दो, और साथ में ये लिमिटिंग रिएक्टेंट का शॉर्ट में क्वेश्चन एक लाजमी है। फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन KCK वाले जो क्वेश्चन है ये आपके बेसिकली जो है शॉर्ट के अंदर इंक्लूडेड है। ग्राम्स लॉ और डेल्टन लॉ ये भी शॉर्ट में, हैस लॉ या तो वो आपसे शॉर्ट में पूछ लेंगे या लॉन्ग में आपको हैस लॉ के साथ जो है पूरा जो वो है न्यूमेरिकल उसके साथ पूछ लेंगे। सॉलिबिलिटी शॉर्ट के अंदर इंपॉर्टेंट, हैंड रूल हो गया और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो गया, ये सारे जो है शॉर्ट के अंदर इंपॉर्टेंट है, जो एग्जामिनेशन में है वो चीज मैंने यहाँ पर लिख दी है। अब मैंने कुछ न्यूमेरिकल शीट भी दे दिया आपको, न्यूमेरिकल्स तो बहुत सारे हैं वैसे, ठीक है, अलग अलग तरीके से, ये कुछ शीट है इनको अच्छे तरीके से सॉल्व कर लो आप लोग, ठीक है, कि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। यहाँ पे हीट ऑफ फॉर्मेशन भी दी है, इनको देख लेना। फिर उसके बाद कुछ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी मैंने दिए हुए, आई नो के थोड़ा सा चेंज भी आ सकता है, बट अगर इनकी प्रैक्टिस कर लोगे और वैल्यूज थोड़ी सी डिफरेंट आ जाए तो तुम लोगों के लिए मुश्किल नहीं होनी चाहिए। पीएच और पीओएच के रिलेटेड भी कुछ दिया हुआ है, ठीक है, टू इलेक्ट्रॉन्स, इस तरह से जो है इलेक्ट्रॉनिक के कॉन्फिगरेशन भी यहाँ पे ऐड किए हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का एक और मैंने दिया हुआ है, इसको भी देख लेना टेबल को, ठीक है। उसके बाद एक बेसिकली जो है मैंने थर्मोडायनामिक का भी दिया हुआ है यहाँ पे, कि थर्मोडायनामिक से भी कभी कभार आपके पूछ लिए जाते हैं, वैसे तो बहुत आसान है बट पूछ लिया जाता है, ठीक है। लिमिटिंग रिएक्टेंट ने दिया हुआ है, हॉर्न रूल के मतलब भी कुछ दिए हुए हैं ये, इनको देख लेना। उसके बाद जो है ये आपके पास ये एक ही जैसे क्वेश्चंस हैं, बस अलग अलग वैल्यूज हुई हैं, इनको एक अच्छे तरीके देख लेना। फिर यहाँ पे जो है कुछ रिएक्शन का क्वेश्चन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का, इसको देख लेना, ठीक है।
और फिर उसके बाद आपके पास ये सेक्शन सी है। सेक्शन सी के अंदर ली चैटरेल वाला क्वेश्चन का जो है ये है, वेंडर वॉल की इक्वेशन जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। साथ में इस तरीके का एक जो है डेरिवेशन भी, डेरिवेशन बोल रहा हूँ, न्यूमेरिकल भी साथ में लॉन्ग में पूछे जा सकते हैं आपसे, पूछे जा नहीं सकते, कन्फर्म्ड है पूछ लेंगे आपसे, तो आप मतलब के साथ में प्रैक्टिस भी करें, ठीक है। फिर उसके बाद आए कॉग्निटिव प्रॉपर्टीज, ये तो शॉर्ट में ही पूछा जा सकता है, लॉन्ग में पूछा जा सकता है। तो अगर आप शॉर्ट में तैयारी कर लोगे तो एक दफा जो है देख लेना कि भाई लॉन्ग के लिए ही है, तो शॉर्ट के लिए, लॉन्ग के लिए, दोनों के लिए सेम ही प्रोसेस है, तो मसला नहीं है। फिर उसके बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है ये आपके पास, ये कुछ आपके पास एन टू ओ टू मॉलिक्यूल्स के मतलब आपने बताना है, बॉन्ड ऑर्डर, फिर मैग्नेटिक बिहेवियर और फिर ऑर्बिटल कॉन्फिग्रेशन, ठीक है। फिर पोस्टुलेट बताना है बीएससी थ्योरी पे, और यहाँ पे आपने कुछ शेप्स बताने हैं, ये आपके पास कुछ शेप्स हैं, इनको देख लेना। उसके बाद जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन, और यहाँ पे आपको जो है ये करना है, बैलेंस द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ये कुछ मैंने दे दिए हैं। बहुत सारे बच्चे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड जो है वो करते नहीं है पेपर्स के अंदर, क्योंकि उनको मुश्किल लगता है, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो क्या पता ये आपके एग्जामिनेशन में हिट कर जाए। बोहर का एटॉमिक थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बॉर्न हाइबर साइकिल, बॉर्न हाइबर साइकिल काफी है, आइडियल गैस इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बट हाँ, वैन डेर वाल्स फोर्स के रिलेटेड जो ये आपके पास दिया है ये मोस्ट प्रॉबली आपका, बाकी हाइब्रिडाइजेशन जो है ये sp2 वाला, इसको आप देख लीजिएगा, ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन और हाइब्रिडाइजेशन इनको देख लेना, ठीक है। लॉन्ग में बॉन्ड हाइबर साइकिल देख लेना, बोहर एटॉमिक थ्योरी जो पूरा है मतलब पूरा डिटेल जो है वो पूरा देखना, ठीक है। बैलेंस ये देख लेना, उसके बाद जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वीएससी थ्योरी जो आपके पास ये दी हुई है, और साथ में ये, फिर उसके बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इनको देख लेना, कॉग्निटिव प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वैन डेर वाल्स फोर्सेस का जो ये ड्राइव करने का क्वेश्चन है ये देख लेना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये बेसिकली आपका पेपर है, इस पेपर का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। मोस्ट प्रॉब्ली अगर मेरे पास टाइम हुआ, ठीक है, कि मैं अपने स्टूडेंट्स का बेसिकली जो है कल मोस्ट प्रॉब्ली जो है मैं ग्रैंड टास्क लूंगा, तो वो भी आपसे शेयर कर दूंगा, तो आप लोग भाई उसे प्रैक्टिस अपनी चेकआउट कर सकते हो। इंशाल्लाह फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मुझे दुआ में याद रखिएगा।